नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने में प्राथमिकता दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के असर का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की कोई जांच की जा रही है या फिर नहीं, इसकी जानकारी दें। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इसको लेकर नीति और उस पर संचालन संबंधी जारी दिशा निर्देशों के बारे में केंद्र से जानकारी देने को भी कहा है। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखते हुए कोविड-19 टीकाकरण की प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति वीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सीवी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग या DCPCR की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। DCPCR की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि केंद्र ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण के कारण उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों में महिलाओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में प्रवेश करने की आवश्यकता है और लोग क्योंकि एक ऐसे वायरस से जूझ रही है जिनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं, इसीलिए उन पर टीकाकरण के प्रभावों को लेकर निरंतर शोध करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वे केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रही है और 2 सप्ताह के अंदर जवाब चाहती है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए तैयार की गई नीति से अवगत कराएं और साथ ही मामले में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उनसे सहायता मांगी है। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। महिलाओं और बच्चों और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य की रक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि ये सीधे तौर पर नवजात की लाइफ और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि DCPCR द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका इस साल मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच दायर की गई थी और बाद में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एडवोकेट और रिकॉर्ड प्रतीक चर्चा के माध्यम से दायर याचिका महिलाओं के टीकाकरण के दुष्प्रभावों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का टीकाकरण के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और टीका लेने से पहले सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सामग्री और मानक संचालन प्रोटोकॉल विकसित करने के निर्देश भी मांग रहे थे। तो रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी फीडिंग मदर्स हैं, उन माताओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। आज इसी को लेकर हम खास चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है गर्भवती महिलाओं के लिए और साथ ही साथ उन माओं के लिए जिनके जो शिशु हैं वो बहुत छोटे हैं। खास हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ी है, एडवाइजर है ICMR की, और डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला, मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी कि जो याचिका दायर की गई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि महिलाओं को, जो खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर फीडिंग मदर्स हैं, उनको वैक्सीनेट जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा था बड़ी असमंजस की स्थिति है कि क्या इन महिलाओं को हम वैक्सीनेट करें ना करें, कहीं से जो शिशु है घर में पल रहा उसको नुकसान तो नहीं होगा या फिर जो नवजात शिशु हैं उनको कोई हानि तो नहीं होगी। अब मैं जरा आपसे पूरे इस पर विस्तार से समझना चाहूंगी कि महिलाओं को ये क्यों प्राथमिकता दे और कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है कोरोना की डोज का जो वैक्सीनेट है वो लगवाना। पूजा, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये याचिका भी बहुत जायज है अपनी तरह अपनी जगह पे, क्योंकि अगर हम देखें तो हर साल हमारे यहाँ पे 2.25 करोड़ के करीब बच्चों का जन्म होता है और करीबन 2.7 करोड़ यानी कि 2.7 करोड़ महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होती हैं। सो कुछ प्रेगनेंसी हमारी वेस्टेज में भी जाती है यानी कि अबॉर्शन भी होते हैं, और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑलरेडी
वन थर्ड ऑफ द बेबीज जो हमारे हैं यानी कि एक तिहाई बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट के होते हैं। तो यदि मैं कहना चाहूँ कि अगर हम इन महिलाओं को जो कि गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर हम COVID-19 का या सार्स कोविड-2 का टीका अगर हम लगाते हैं तो ना केवल हम उनकी कोविड की बीमारी से हम उनकी रक्षा कर सकते परंतु गर्भ में होने वाले बच्चों की भी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो बच्चे बेसिकली गर्भ में होते हैं 28th वीक ऑनवर्ड्स यानी कि 28 हफ्ते के बाद से लेके 7 दिन के अंदर अंदर उन बच्चों की मृत्यु ज्यादा देखी गई है। दूसरा ये भी देखा गया है कि ये बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं यानी का इनका जो जन्म का वजन है वो 2.5 किलो से कम होता है और साथ में ये भी चांसेस है कि ये 32 हफ्ते से पहले पहले पैदा हो जाए तो यानी कि ये तब भी लो बर्थ वेट बेबी कहलाएंगे करके और इनको फिर बाद में ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। और गर्भवती महिलाओं में भी अगर हम देखें तो ये ज्यादातर देखा गया है कि बेसिकली इनमें मैटरनल डेथ भी ज्यादा होती है और ऑलरेडी हमारे देश में अगर महिलाओं का मृत्यु दर गर्भवती अवस्था के दौरान अगर देखा जाए तो 130 महिलाएं ऐसी हैं जो 1 लाख जन्म के दौरान में वो खत्म हो जाती हैं। तो अगर वो महिला गर्भवती भी है और साथ साथ उसको कोविड की बीमारी भी है तो इसमें उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर हमारे को बाकी जो वेट गेन ज्यादा होना ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में देखी गई हैं। तो ये स्टडीज हमारी काफी अलग अलग हिस्सों में हुई हैं तो बेसिकली इससे लॉन्ग टर्म स्टडी की बहुत आवश्यकता है। और जहां तक मैं अगर हम उनकी भी बात करें जिनको कि नवजात शिशु है बहुत जरूरी है कि वो भी महिलाएं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया वो भी जल्द से जल्द टीका लगवाएं क्योंकि उससे बच्चों को भी एंटीबॉडीज जाती हैं जो कि मदर के मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि COVID-19 के वैक्सीनेशन के द्वारा वो भी मदर के मिल्क के द्वारा वो बच्चों में जाती है और बच्चों को भी रोकथाम करती है। परंतु जरूरत है कि थ्रू आउट अगर माँ टीका भी लगा लेती है तो उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत अहम आपने बात कही। डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री आपसे मैं जरा समझना चाहूंगी क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट है महिला आपके पास ज्यादा आती हैं गर्भवती महिलाएं क्या कुछ उनकी इस वक्त क्वायरी रहती है क्योंकि कोविड के दौरान काफी चिंतित ये महिलाएं नजर आई हैं खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ में पल रहे शिशु की बहुत चिंता रहती है कि कैसे वो उसको बचा सकती हैं कैसे वो कोविड से उसको दूर रखें। तो क्या मैम इसका रास्ता है कैसे जो है कोविड से बचाव इनका हो सकता है और कितना जरूरी ऐसी महिलाओं को वैक्सीनेट कराना है। हेलो जी डॉक्टर मीरा आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल। बहुत उत्तम प्रश्न है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मार्केट में खबर पहुंचे क्योंकि मई माह से फिर हमें भारत सरकार से ICMR से परमिशन नहीं क्योंकि हम गर्भवती महिलाओं को और दूध चलाने वाली महिलाओं को टीका दे चुके लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको इससे बहुत गरीब डिस्कशन करा बहुत लड़ी इसके लिए करी और रिसर्च करी और हम लोग की कम्युनिकेटिव ग्रुप ने अप्रोच किया तो हम लोगों ने ये कहा कि गर्भवती महिलाओं को और लैक्टेटिंग मदर को टीका लगाना बहुत 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 आवश्यक है। इसका कारण ये है कि जैसे ही हम लोग को ये मई के बाद कोई आदेश रहा है तब से हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छा प्रदर्शित हो रहा है। कारण गर्भवती महिलाओं को अगर टीका लग जाता है तो उससे डबल फायदा होता है। डबल फायदा मतलब माँ को तो आपने कोरोना वैक्सीन दे दी उसके अलावा जो बच्चा गर्भ में चल रहा है उसको भी वैक्सीन पहुंच रही है तो वन इंजेक्शन बेनिफिट आप हमें सुन सकती है ना? हाँ जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ आपको डॉक्टर मीरा। तो एक वैक्सीन से एक दो लोगों को बेनिफिट हो रहा है माता को भी बेनिफिट हो रहा है और बच्चे भी बेनिफिट हो रहा है। उसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को अगर हम देंगे तो माता को भी उसका बेनिफिट हो रहा है और दूध पिलाने वाला जो बच्चे उसको भी बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले ये लेना चाहिए कि ये जो वायरस है कोरोना का ये डायरेक्टली नहीं फैलता है दूध के थ्रू नहीं जाता। अगर फैलेगा तो संपर्क आने से मुंह का मुंह जिस तरह से फैलता है वो आपको मालूम है माँ से दूध से नहीं फैलेगा। तो अगर उसमें वैक्सीनेशन लग जाएगा तो हमारा बच्चा भी सुरक्षित है और माँ भी सुरक्षित है तो इसमें कोई अंदेशा नहीं। अब दूसरी बात
जिस ग्रुप में आपको वैक्सीनेशन लगवाए, मानो 19 साल के ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाए और वो माँ दूध पिलाने वाली है या गर्भवती है, तो उसी ग्रुप में उसको लगवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं जो करना चाहिए गर्भवती महिलाओं का ग्रुप अलग बनेगा, ब्रेस्टफीडिंग मदर का ग्रुप अलग है, जिस ग्रुप में उनको अलाउ करा जाए उस ग्रुप में उन्हें बाकायदा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और ये प्रूव हो गया है कि इस वैक्सीनेशन से कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो साधारण सी बात है जैसे थोड़ा सा हल्का सा बुखार आ गया, भारीपन लग रहा है, ये इन सब चीजों के अलावा ऐसा कोई भी चीज होती नहीं है जो कि रिस्क सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो हम लोग को रिस्क और बेनिफिट को वेट रखते हुए तोलते हुए ये समझना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली महिलाओं को ये वैक्सीनेशन जरूर लग जाए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री आपने बात बताई है और क्यों जरूरी है वो भी जो हमारी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी उनको ये पता चला होगा और कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आईसीएमआर की ये पहले से क्वायरी थी, उसके बाद जब स्पष्ट हो गया कि महिलाओं को ये वैक्सीन दी जा सकती है, महिलाओं को कैसे हम और जागरूक करें, क्योंकि उनको इस बात के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि कितनी महत्वपूर्ण सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाले बच्चे के लिए या फिर जो आपका दूध पीने वाला बच्चा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जो जागरूकता है वो और कैसे लाई जा सकती है और क्यों इतना जरूरी है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी महिलाओं को जल्द से जल्द जो है टीकाकरण उनका करवाया जाए, इसके लिए आपको लग रहा है मैम कि जो भी कामकाज किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से वो काफी है क्या, या उसमें और थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा जी। जैसे कि डॉक्टर मीरा ने भी बताया कि पहले तो अगर हम गर्भवती महिला को अगर देते हैं तो तीन बार फायदा है, बच्चे को भी फायदा है, माँ को भी फायदा है, और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, हेजिटेंसी की कोई जरूरत नहीं है। परंतु अभी भी हेजिटेंसी बनी हुई है और ये हेजिटेंसी ज्यादातर हमने गर्भवती महिलाओं में देखी, क्योंकि ये हेजिटेंसी केवल उनकी अपने तरफ से नहीं है, ये बेसिकली ये देखा गया है कि प्राइमरीली अगर हम फैमिली मेंबर्स को कन्विंस नहीं करेंगे तो महिलाएं आके अपना टीकाकरण नहीं कराएंगे, तो इससे उनके डिसीजन मेकिंग में फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यानी कि उनको भी बेसिकली हमें सेंसिटाइज करने की बहुत आवश्यकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जहां तक कि आपने बोला कि किस तरह से उनका सेंसिटाइजेशन किया जाए, ये हमें हर लेवल पे करना चाहिए, यानी कि महिला अगर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आती है तो जांच के लिए, या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमारी पूरी मशीनरी है फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जो कि गांव में भी जाती है और ग्राम सभाओं के द्वारा भी ट्राइबल एरियाज में हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। परंतु जरूरत है कि उनको कन्विंस करने की, और जब तक फैमिलीज कन्विंस नहीं होंगी, महिला केवल के कन्विंस होने से काम नहीं चलेगा। अगर वो केवल अकेली कन्विंस होती है तो घर वाले कहेंगे अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात की, ये शंकाएं आई थी कि महिलाओं को ये डाउट था उनके परिवार वालों को कि नहीं आप बिल्कुल मत लगवाइए, अगर थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले शिशु के लिए, बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये जो शंकाएं हैं और ये जो एक उलझन भरी बात थी, ये जरा समझाने की जरूरत है महिलाओं को भी, और ये कैसे हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं, इसको लेकर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगी कैसे हम महिलाओं को और जागरूक कर सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण इस वक्त कोरोना की वैक्सीन ऐसी महिलाओं को देना है जो कि गर्भ से है। डॉक्टर अग्निहोत्री, अब मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा गया है बार बार कि जो गर्भवती महिलाएं हैं बड़ी ही हायर रिस्क पर रहती हैं इसकी चपेट में आने से, कैसे उनको बचाया जा सकता है, कैसे जो है उनको और ज्यादा हम जल्द से जल्द वैक्सीन प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको लेकर हम बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए हमें, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। ये सबसे पहले मैं आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए मैं आपको इससे बहुत डिटेल में बता सकती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी बहुत इसकी कर्मठता से इस पर कार्य करना शुरू करा है। हमारे पास इस समय मिशन शक्ति है जिससे कि हम एपेक्स से लेकर के और आखिरी व्यक्ति तक का संचालन कर रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये कि हमारी जो आशा बहुएं हैं, ये जो ANM है जो हमारे लोगों से दूर दर दर तक जा सकती है, तो अपने एरिया के उनको हम लोगों ने पैम्फलेट बनवा लिए हैं। उन पैम्फलेट में हम लोगों ने लिख दिया है कि गर्भवती महिलाओं को किन किन वैक्सीन की जरूरत होती है, तो जो हमारी नेशनल वैक्सीन जो एलोकेटेड थी अभी तक उसमें वैक्सीन का इंक्लूड करना एक इम्पोर्टेंट वो है कि उनको लिखित प्रमाण मिलता है कि हाँ ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। जैसे हम लोग कैचबैक देते हैं, जो भी वैक्सीन लिखी हुई है
उस कार्ड में उस व्यक्ति का भी इंक्लूजन कराया है कि उसको दिया जा सकता है। उनसे भी ये समझाना पड़ता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दें कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में दें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उनको ये कन्विंस करना पड़ता है कि जो ट्राइमेस्टर में भी आएंगे हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर से इसको दे सकते हैं। ये सबसे लोएस्ट व्यक्ति जो ANM और आशा बहुत जिन जिन घरों में जाती है, उसके बाद ग्राम पंचायत तक आते हैं, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में आते हैं, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं। और आपको मालूम है कि आयुष्मान भारत तक में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरा, माँ की प्रति 9 तारीख का बहुत से प्राइवेट डॉक्टर, बहुत से हॉस्पिटल, बहुत से इंस्टीट्यूशन हम लोग फ्री एंटीनेटल क्लिनिक करते हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ही खास करके देखा जाता है, उनकी सब जांचें करी जाती है, उनको बताया जाता है, और उसमें हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम कर रहे हैं ताकि उस पर्चे पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री इस रजिस्ट्रेशन नंबर से एडवाइज कर रही है, तो वो उनके पास एक पक्का सबूत हो जाता है कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत है, स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत है, और उन सबसे भी इसको पूरी तरह से स्थापित किया जा चुका है, तो इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी OPDs हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, प्राइवेट हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उन सब OPDs में इसका पर्चा बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। तो हम लोग का मेन एम अपनी जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा मेडिकल रूट हो गया। सेकेंड रूट जिसको भी हम लोग समझाते हैं वो साझेदारी हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, टीचर्स के साथ और उन लोगों के साथ जिनको हम डायरेक्टली जैसे बहुत से क्लब्स हैं उसमें मोटिवेट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर पैम्फलेट में लिखा हुआ उन्हें मिल जाएगा तो दे आर ऑथोराइज टू कन्वे दिस न्यूज जब जन जन तक जा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल जी जी, डॉक्टर सुनील जी, मैं अब आपसे ये इसको लेकर चर्चा भी कर रही थी पहले कि फैमिली इसको समझाना कितना ज्यादा जरूरी है और वो जो डाउट एक मन में रहता है, शंका, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि अगर हम दूर नहीं करेंगे, महिलाओं को हम ये कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे कि आप सुरक्षित हैं, आपका गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित है, आपका बच्चा सुरक्षित है, तभी वो ये इतना बड़ा कदम उठाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, एंड जो कि मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड लाइफ के फील्ड में काम करते करते मुझे लगभग 40 साल हो गया, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि यहाँ पे ना केवल फैमिली, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो वैक्सीनेशन बूथ पे काम कर रहे हैं उनको भी समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने कई महिलाओं को देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स ने हमारे को वैक्सीन नहीं लगाई, संकट क्यों नहीं लगाई भाई, उनको उनको ये है कि गर्भ को कुछ है, तो यहाँ हमें चौतरफा जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमारी पूरी मशीनरी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हमारा प्रेगनेंसी का जो अनुभव है बहुत ही सुखद अनुभव है, एंड डॉक्टर अग्निहोत्री तो रोज ही डिलीवरी करती है करके वो जरूर बता पाएंगी कि कितना अच्छा अनुभव होता है अगर हमारी डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाए, माँ के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही सुखद अनुभव होता है। तो हम जरूर चाहते हैं कि हर एक गर्भवती महिला और हर एक लैक्टेटिंग मदर जो कि दूध पिलाती महिला है करके वो भी जरूर अपना टीकाकरण कराए ताकि अपने और बच्चे दोनों की देखभाल हो सके। और जरूर ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो हेजिटेंसी है या इसके पीछे बहुत सारे भ्रम और धारणाएं जुड़ी हुई है उनको दूर करें, और इसके लिए स्पेशल सेशन हर एक में होने चाहिए। विलेजेस में विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डेज होते हैं जहाँ पे महिलाएं भी जाती हैं अपनी जांच करवाने के लिए, वहां पे भी जो भी प्लेटफॉर्म मिले हमें उसको यूज करना चाहिए जानकारी देने के लिए। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जब तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फैमिलीज अगर वो सेंसिटाइज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली महिला अपने आप सशक्त होगी, क्योंकि महिला जरूर चाहेगी कि मेरा बच्चा जो है बहुत स्वस्थ हो, वो जरूर वो चाहेगी कि मेरी डिलीवरी ठीक ठाक हो, मैं कहीं कोविड की शिकार ना हो जाऊं, तो उसको टीकाकरण देना करना जरूरी है। और साथ ही साथ जब बच्चा ठीक ठाक पैदा होगा तो बहुत अच्छे से बहुत खुशी की बात होगी कि हम उन महिलाओं को जो इस इन्फेक्शन से बचा चुके हैं। या साथ साथ ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि टीकाकरण का मतलब नहीं है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ देना। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहे वो गर्भवती है, चाहे वो दूध पिलाती महिला है, उसे जरूर फॉलो करना है। बिल्कुल। और वो मास्क लगा के मुंह को थोड़ा दूर करके, बच्चा माँ की
हार्ट बीट को पहचानता है जब वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये बहुत नेसेसरी है कि ये सारे भ्रम हम और भ्रांतियां जो हम दूर करें और हमारी महिलाएं जल्दी से जल्दी टीकाकरण के लिए बिल्कुल जी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण आपने आज चर्चा में भाग लिया और साथ ही बड़ी अहम जानकारी आपने सभी महिलाओं को दी और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से बहुत उनको फायदा भी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और आज चर्चा का विषय में हमने बात की महिलाओं को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि महिलाएं जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को और अपने नवजात शिशुओं को सुरक्षित रख सकें। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।